झोने का समा आ गया, दिवाली का त्यौहार आ गया गा, भी यह लोग उठ के वग जाएंगे, यह तेरा भुलेखा है। बाकी जी गल रही भी आडे वास्ते जो बैरीकेड च लाए ने यह तोड़ना कोई वाली वड्डी गल नहीं साडे वास्ते, इहनू असीं 10 मिंटां दे विच तोड़ सकदे आ। जिहड़े अंदर घरां दे विच इत्थे कलोनी दे विच साडे लोक रहिंदे ने उह साडे भैण भाई ने, इस करके असीं उहनां नूं कोई दिक्कत पेश नहीं आउण दिंदे, उहनां दीआं दिक्कतां समझदे होए असीं साडी जथेबंदी सारा कुछ समझदी हैगी। मुख्यमंत्री साहब ने बयान दित्ता, साडे सारिआं नाल वादा कीता कि यह अन्नदाता किसान इन्हों दोषी क्यों बनाना है, पर अमल इधर उल्ट हो रहा है। धौले पिंड झोना खड़ा है, हजे भी 10 दिन नहीं वढ़िया जाना, उन्हें उन्होंने जाके 2500 रुपया किले मगर जुर्माना करता। गाह जमीन का मालिक कनेडा च रहिंदा है, नोटिस उत्थे भी जा बढ़िया, उन्हें कहा भी तू भाई पराली मचाई है, मैं तेन गाह नूं बाहण नहीं देना। कि जिन्ना पानी थले जा बढ़िया धरती हेठला, झोने की खेती पंजाब चो बंद की जाए, वो थान पर बदलवियां जिहड़ियां फसलां हैं उहदी सरकारी खरीद होवे, उहदी MSP की गरंटी बने, उहदे नाल 3 फायदे होने हैं। पराली का जिहड़ा प्रदूषण वह भी घटूगा, उहदे नाल जिहड़ा धरती हेठला पानी वह भी बचूगा, तो जिहड़ा आए बार झोने के सीजन च बिजली का काल पैंदा, लोगों के बुरे हाल होंदे आ, कट लगदे आ, वह कट लगण वी बचणगे। देखो गलती तो कोई रौला नहीं, देखो ना झोना पंजाब का खाइया सी गया, ना पंजाब की फसल सी, ये तो हरे इनकलाब के तहत लोगों के सिर मड़ी है। ये एक भी किसान ने कोई आपके खेत च दवाई की फैक्ट्री लाई है, उन्हें दवाई बनाई है, तुसी लोगों ने लुटना सी गया, तुसी रेह दित्या, तुसी दवाइया दित्तियां, उहदे करके सारा वातावरण खराब होया। मेरा नाम हरजीत सिंह, भारतीय किसान एकता ग्राह ब्लाक भानीगढ़ का मीत प्रधान है। अज का जो साठ है यह जरा भगवंत मान की सरकार घेसल बट्टी बैठी हैगी, उस सरकार दसन वास्ते भी यह ऐ तेरी असी घेसल नहीं मान साहब चलन देनी, बेशक तू यह गल समझदा तेन ए लगता गा भी शायद झोने का समा आ गया, दिवाली का त्यौहार आ गया गा, भी यह लोग उठ के वग जाएंगे, यह तेरा भुलेखा हैगा। बाकी जी गल रही भी आडे वास्ते जो बैरीकेड च लाए ने यह तोड़ना कोई वाली वड्डी गल नहीं साडे वास्ते, इहनू असीं 10 मिंटां दे विच तोड़ सकदे आ, पर साडा असीं कोई जाबते वाली जथेबंदी है, जिहड़े अंदर घरां दे विच इत्थे कलोनी दे विच साडे लोक रहिंदे ने उह साडे भैण भाई ने, इस करके असीं उहनां नूं कोई दिक्कत पेश नहीं आउण दिंदे, उहनां दीआं दिक्कतां समझदे होए असीं साडी जथेबंदी सारा कुछ समझदी हैगी। इस करके सरकार नूं इह गल लगदी हैगी भी इह बैठे ने लोग उठ के वग जाएंगे, ये ऐ लोग जाने वाले नहीं, ये सारिया मंगा मनवा के मोर्चा अगले अणमिथे समय तक चलना है, जिन्ना चिर यह सरकार गल मानती नहीं उन्ना चिर साडा मोर्चा चलना है, चाहे दिवाली आवे चाहे जीरी वढ़ीए, सारे कणक भी बीजनी है, सारे काम इहदे मोर्चे दे विच असीं करने ने। सब इंस्पैक्टर प्रतीक जिंदल SHO सदर, इन्हां दा पिछले 12 दिन तो ही इत्थे पक्का धरना चल रहा, तो अज इन्होंने कॉल दी सी कि जे 20 तरीक तक साडी सरकार डिमांड्स नहीं पूरियां करदी तां फिर असीं इत्थे जिहड़ा कलोनी का मेन गेट है उन्होंने बंद करांगे। तो उन्होंने देखते हुए मानयोग SSP साहब वालों तो मानयोग DC साहब वालों अज मीटिंग करके इन्हों सारे पॉइंट जो इन्होंने रेज किए वो सरकार के ध्यान में लाते गए, तो बाकी हूँ इन्होंने इतने गेट बंद किया, उस संबंध असं अपनी बैरीकेडिंग वगैरह करके प्रॉपर प्रबंध किए हुए। देखो साड़िया बहुत सारिया मंगा, उस मंग पराली की भी है, जिदे पराली वाली मंग से गल हुई 7 तरीक न, उदे मुख्यमंत्री साहब ने बयान दिता, साढ़े सारे वादा किया कि यह अन्नदाता है किसान इन्हों दोषी क्यों बनाना है, पर अमल इधर उल्ट हो रहा है। जिथे कोई पराली नूं अग लाई है उहदी किसे नूं लग सकदा भी भाई पराली मचाई, धौले पिंड दे विच झोना खड़ा है हजे भी 10 दिन नहीं वढ़िया जाना, उहने उहनूं चाके 2500 रुपया किले मगर जुर्माना करता। गाह जमीन दा मालिक कनेडा च रहिंदा है, नोटिस उत्थे भी जा बढ़िया, उहने कहा भी तूं भाई पराली मचाई है, मैं तेनूं गाह नूं बाहण नहीं देना। वो किसान का यह जहा कुछ किया है, पिछले साल आए सारे जोड़े पराली के केस है जजिटेशन दौरान केस है, टोटल केस वापस लैन की गल सी, सारे बड़ा हिस्सा केसा का उमे खड़ा है। असी उदो उन्होंने कहा भी जो पराली का मसला है ठीक है, एक दिन लगा लो तुम मशीन मशून दिखाई, जे नाल ट्रैक्ट दोगे तो ए क्योंकि बड़े ट्रैक्टर उन्होंने मशीनों खिंचते हैं, जोड़ा उत्ते कला फूस बनता है, फूस में अग ला के वह बीजी जा सकती है, पर पक्का हाले का यह है कि जिन्ना पानी थले जा बढ़िया धरती हेठला,
झोने की खेती पंजाब चो बंद की जाए ओदे थां ते बदलवियां जिहड़ियां फसलां है ओदी सरकारी खरीद होवे ओदी MSP दी गरंटी बने फिर इहदा लाज बणदा उहदे नाल तीन फायदे होने है पराली दा जिहड़ा प्रदूषण उह भी घटूगा ओहदे नाल जिहड़ा धरती थला पानी उह भी बचूगा ते जिहड़ा आए वार झोने दे सीजन च बिजली दा काल पैंदा लोकां दे बुरे हाल हुंदे आ कट लगदे है उह कट लगणों भी बचणगे देखो गलती तां को रौला नहीं देखो ना झोना पंजाब दा खाइया सीगा ना पंजाब दी फसल सी ये तो हरे इनकलाब दे तहत लोकां दे सिर मड़ी है ये उहदे करके जिहड़ा इहदा फल है जे कहना हरे इनकलाब दा उह सारियां कंपनियां वाले लै गए हरे इनकलाब ने तो साडे पल्ले तो बीमारियां पाईआं सानूं तां प्रदूषण दित्ता है इस करके इहदे नाल लोकां दा जिहड़ा हुण हाल बणिआ खड़ा धरती हेठला पानी भी मुक गया हुण उल्टा दोषी भी उह सानूं कहिंदे है कहिंदे तुसीं जिहड़ा अनाज है ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਤਾ ਛੋਟੇ ਮਾਧਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਓ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਨ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਹ ਗਲੀ ਘੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਘੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੜਕ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹੀ ਲੇਲੇ ਪੇਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇਗੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾ ਆਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜੇ ਬਦਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ